एक राइटर को कभी भी प्यार हुआ नहीं था और अब उसे एक लव स्टोरी लिखनी थी। एक लड़की से उसे प्यार होता है पर वो ऑलरेडी एंगेज थी। इनके अफेयर का अंत क्या होगा, ये हम आज की हमारी मूवी प्लेइंग इट कूल, एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी में हम देखने वाले। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर क्रिस हमसे बात करता है। कहता है कि जब भी कोई अट्रैक्टिव हमारे साइट में आता है तो हमारे प्यूपिल्स 20% से डायलेट हो जाते हैं। जब कोई प्यार में पड़ता है तो ड्रग्स लेने के बाद आदमी को जैसा लगता है वैसे उसे हमेशा लगता है। क्रिस कहता है कि मेरे न्यू नॉवेल के लिए मुझे प्यार के बारे में रिसर्च करना पड़ रहा है क्योंकि कभी भी उसे प्यार हुआ नहीं। वो अलग अलग लोगों की प्यार में होने की स्टोरी सुनकर उन कैरेक्टर में घुसने की बहुत ट्राई करता है पर उसके लिए बहुत ही हार्ड था। एक बार जब वो छोटा था तो इसके बेबी सीटर से उसे लगा था कि शायद उसे प्यार हो चुका है पर वो वही बार खत्म हो चुका था। आजकल वो पार्टियों में लड़की से मिलता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगर शायद उस लड़की का बॉयफ्रेंड होगा तो फिर उसे मार खाना पड़ता है। अपनी सारी प्रॉब्लम्स वो अपने मैनेजर को बता रहा था। उसका मैनेजर कहता है कि तुम्हें स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी। लव स्टोरीज काफी सिंपल होती है, एक ही फॉर्मेट होता है और तुम्हें वैसे ही चलना है। क्रिस को एक्चुअल में एक एक्शन मूवी लिखनी थी पर जब वो रोमांटिक कॉमेडी कंप्लीट करेगा उसी के बाद एक्शन मूवी लिख पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम क्रिस का बेस्ट फ्रेंड स्कॉट देखते हैं। वो एक बुक स्टोर के रिसेप्शनिस्ट को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रोमांटिक स्टोरी सुना रहा था। रिसेप्शनिस्ट कहता है मुझे टर्मिनेटर बहुत ही अच्छी लगती है, वो एक बेस्ट लव स्टोरी है। स्कॉट समझ नहीं पाता कि टर्मिनेटर में लव स्टोरी जैसा था क्या। एक्चुअल में क्रिस और स्कॉट एक जगह पर रैंडमली मिले थे। स्कॉट बहुत ही सस्पिशियस लग रहा था और एक पैकेज छोड़कर चला गया था। क्रिस से पैकेज लेकर उसके पीछे भागा। उसे लग रहा था कि शायद ये बॉम्ब है पर स्कॉट ने कहा कि एक रोमांटिक बुक है। वो हर जगह पर यह बुक छोड़कर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी ब्यूटीफुल सी बुक है तो किसी का लाइफ वो चेंज कर सकती है। उसी के बाद से दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्रिस स्कॉट को भी बताता है। स्कॉट कहता है कि रोमांटिक कॉमेडीज में एयरपोर्ट से भागते जाने वाला एक सीन होना चाहिए। प्रपोजल ऐसा लगना चाहिए हीरो के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और सब लोग उसे चीयर कर रहे हैं। क्रिस कहता है कि हर एक लव स्टोरी एक ही टाइप की होती है, दो लोग मिलते हैं और उनमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं और इस सॉल्व करने के बाद दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं। एक्चुअल में प्यार जैसी कोई भी चीज होती नहीं। क्रिस प्यार पर बिलीव नहीं करता, इसका रीजन उसके बचपन में है। जब वो छोटा था तो उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई थी, उसे किसी से प्यार हुआ था। क्रिस को अपने ग्रैंडफादर के साथ वो अकेला छोड़कर गई थी, इस बात की वजह से हमेशा वो प्यार से डरता आ रहा है। जब भी किसी लड़की ने उसे प्रपोज किया आई लव यू कहा तो क्रिस ने सिर्फ उससे एक ही बात कही कि मैं कभी भी तुमसे प्यार कर नहीं पाऊंगा। एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ एक चैरिटी के इवेंट में गया था। वहां पर उसे लगा था कि उसे अच्छी अच्छी लड़कियां देखने के लिए मिलेगी और वैसा वहां पर कोई भी था नहीं। ये बात जब वो कह रहा था तो एक लड़की जिसका नाम था एली ये सुन लेती है। क्रिस ने इसके लिए उसे सॉरी कहा। एली कहती कि तुमने बहुत ही कम पी है, तुम्हें और भी जरा ड्रिंक करना चाहिए। क्रिस कहता है कि अब मैं नहीं पीता, घर जाकर फिर मैं बहुत सारा खाना खा लूंगा। एली कहती कि मुझे लगा था कि तुम घर जाकर गंदी वीडियोस देखोगे। क्रिस कहता है कि मैं लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लड़कियां लड़कों को ऑब्जेक्टिफाई करें। एली को आइडिया पसंद आया, वो कहती कि मैं भी चाहती हूँ कि लड़के मेरे पैसों के लिए मेरे पास घूमे। इसके बाद ये पार्टी में हर एक के साथ जाकर फ्लर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ वो एंजॉय कर रहे थे। तभी एली का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसके साथ वो चली गई। क्रिस को एली के साथ इलेक्ट्रिसिटी महसूस हुई थी और बॉयफ्रेंड को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। अपना दिल टूटने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अलग अलग लड़कियों को टेक्स्ट वो करे। एक लड़की उसके साथ आके और वो दोनों फिर इंटीमेट होने लग गए। ये करना आज क्रिस को बहुत गलत लगता है क्योंकि एली के बारे में सोच रहा था। उसे एक आइडिया आया, जिस इवेंट में वो एली से मिला था उसी के रिसेप्शनिस्ट से उसका वो नाम पूछता है। उसे सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाता। सब अटेंडीज की लिस्ट की नोटबुक पड़ी थी तो जल्दी से उसे चुरा कर वो भाग आता है। जो भी क्रिस ने फील किया ये सब कुछ अपने फ्रेंड्स को बताता है। उसके फ्रेंड्स भी राइटर्स थे। फ्रेंड कहते कि तुम उससे सिर्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हो, तुम्हें फिर से उसे मिलना चाहिए और फिर उसमें क्या फ्लॉ है ये तुम अगर देख पाओगे तो उसके बाद तुम्हें वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। क्रिस को उसका नाम ही पता नहीं था तो उसे ढूंढ कैसे पाएगा। उसे पूछते कि आखिर तुम्हें उसका नाम क्यों चाहिए। क्रिस कहता है कि एक बार मैं उसका नाम बोलकर देखना चाहता हूँ। सबको बहुत ही वियर्ड लग रहा था पर उसका फ्रेंड स्कॉट बिलीव करता था कि सच्चा प्यार भी होता है। वो हमेशा कोरियन ड्रामास देखता था। क्रिस इस स्टोरी में भी खुद को इमेजिन कर देखता है। क्रिस कहता है कि स्कॉट हमेशा कहता है कि हर किसी न किसी के लिए कोई ना कोई तो बना होता ही है। ये बात तो उसे पहले सही नहीं लगती थी पर जब आसपास उसने देखा तो सब लोग बहुत ही वियर्ड थे। उन सबको एक दूसरे के साथ देखकर क्रिस को ही वियर्ड लगने लग जाता है क्योंकि उसी के पास कोई नहीं है। वो कंटिन्यू एली के बारे में सोच रहा था। उसके ग्रैंडफादर पूछते कि हुआ क्या है। क्रिस उन्हें सब कुछ बता देता है। ग्रैंडफादर कहते कि अगर तुम अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो तो शायद वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। क्रिस को फिर एक आइडिया आया,
वो एक चैरिटी इवेंट में मिले थे, तो सिटी में जो भी चैरिटी इवेंट चल रहे थे उन सब की वो लिस्ट निकालता है। हर जगह पर अपने फ्रेंड स्कॉट को लेकर वो जाने लग गया। एक बिजनेसमैन जो भी हर एक चैरिटी में जाता है उसे पहचान लेता है, कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, उसे उसकी इंट्रोडक्शन मांगता है। क्रिस एक राइटर ही है तो इमेजिनेशन में रहना उसे बहुत अच्छा लगता है, तो खुद के बारे में उसने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल दी। सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए। फाइनली अब इतने सारे इवेंट्स पर जाने के बाद क्रिस गिव अप करने वाला था, और लास्ट टाइम एक इवेंट पर वो जाता है। वहां पर वो बिजनेसमैन भी आया हुआ था। वो क्रिस की तारीफ करता है और उसने उसे स्टेज पर स्पीच देने के लिए कहा। क्रिस को स्पीच देना आता नहीं था तो एक बहुत ही वियर्ड सी स्पीच वो देने लग गया। दूर से एली खड़ी वहां पर हंस रही थी, जाकर उससे बात करता है। वो कहती कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सारी चैरिटीज करते हो। क्रिस पूछता है क्या तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। एली कहती कि मेरे काम की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वो अपने काम के बारे में बात करने लग गए तो क्रिस सोने का प्रिटेंड करता है। क्रिस कहता है कि आजकल मुझे एक बुक लिखनी है पर इसके लिए मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एली कहती कि तुम्हें योगा ट्राई करना चाहिए। क्रिस कहता है कि मैं खुद का इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखता। एली कहती है कि तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, यही इम्पोर्टेंट है। क्रिस को लगा कि उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, पर एली समुंदर की वेव्स के बारे में बात करने लग गए। वो कहती कि ये वेव्स कितनी ब्यूटीफुल है, वो जाने कितने दूर से आती है और एक दूसरे में समा जाती है। ये सुनकर क्रिस उसे ही देखने लग गया। एली इस पर हंसने लग जाती है, कहती कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। क्रिस अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे लग रहा था कि मुझे उसे किस करना चाहिए, पर उसका एक बॉयफ्रेंड है। उस मीटिंग में भी उसने उसका नंबर नहीं लिया था। आज जब वो फिर से बीच पर जा रहे थे तो वही से एली गुजर रही थी। फिर से टकराने के बाद ये दोनों एक जगह पर शॉपिंग के लिए गए। एली कहती कि शायद अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्रिस कहता है कि हमें इस तरीके से कोइंसिडेंस पर चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, हम दोनों को मिलते रहना चाहिए। एली कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम फिर भी मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो। क्रिस कहता है कि डेट हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम एज अ फ्रेंड जा सकते हैं। एली को भी आइडिया ठीक लगा। क्रिस जब अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो एली के साथ सिर्फ फ्रेंड रहने वाला है, तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं एक लड़का और लड़की कभी भी फ्रेंड्स नहीं रह सकते। क्रिस कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। एली कहती है कि हम दोनों इंटीमेट हुए थे। क्रिस एली के साथ एक नॉर्मल डेट पर जाने वाला था, पर एली कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो स्लोली स्लोली बातें आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हें एक ऐसे प्लेस पर जाना चाहिए जहाँ से कोई भी बात आगे नहीं बढ़ने वाली। क्रिस फिर एली को एक आर्ट म्यूजियम में लेकर गया। टेलीस्कोप से एली ने क्रिस की धड़कन देखी। वो कहती कि तुम्हारा हार्ट तो बीट ही नहीं करता। इनकी डेट खत्म होती है और एली कहती कि मैं और एक चैरिटी इवेंट पर जाने वाली हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। क्रिस को डेट बहुत ही ऑकवर्ड लगती है और इसका पछतावा कर रहा था, तभी एली उसके पास वापस आके, एक्चुअल में उसकी कार बंद पड़ गई थी तो क्रिस से उसने लिफ्ट मांगी। जाते जाते जब वो उसे बाय कर रही थी तो क्रिस उसे हाई फाइव कर देता है। ये बहुत ही ऑकवर्ड था। इस डेट के बारे में क्रिस ने फिर से अपने फ्रेंड से बात की। वो कहते कि तुम सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर तुम किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो जाओगे तुम्हारी सारी फीलिंग चली जाएंगी। क्रिस कहता है कि मैं उन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम दोनों की इंटरेस्ट सेम है और एक दूसरे से बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो एली के प्यार में पड़ रहा है। क्रिस एली के इवेंट पर गया पर वो योगा क्लास था। वहाँ पर वो योगा करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। क्रिस एली से पूछता है कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड में चल क्या रहा है। एली कहती कि शायद हम दोनों शादी कर लेंगे, हर एक दो मंथ्स में हम इसके बारे में बात करते हैं, पर इसके बाद मुझे लगता है कि मैं अब भी रेडी नहीं हूँ। उसे हमेशा से लगता आ रहा था कि शायद उसकी फीलिंग्स कुछ अलग होगी। क्रिस कहता है कि क्या इस रिलेशनशिप में तुम खुश हो। एली कहती कि उसका जॉब स्टेबल है, अपने काम के बारे में वो पैशनेट है। क्रिस कहता है कि ये तो सिर्फ एक चेकलिस्ट हुई, इसे हैप्पीनेस की गारंटी तो नहीं मिल सकती। एली कहती कि तुम अपने परफेक्ट वेडिंग को डिस्क्राइब करो। क्रिस को इसके बारे में पता नहीं था पर एली के सारे प्लान्स हो चुके थे। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। एली कहती है कि अगर तुम मुझे लाइक कर दो तो हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छी लाइफ क्रिएट करना चाहती है और फिर वो क्रिस के साथ नहीं रह सकती। क्रिस को बहुत बुरा लगा। अगले दिन क्रिस बहुत ही अपसेट था। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम्हें उतनी अच्छी लगती है तो तुम्हें उसे पाने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं जब तुम्हारी ग्रैंडमदर से मिला था तो वो भी एंगेज थे, मैं एक वॉर में था और एक छोटे से गांव में मैंने तुम्हारी ग्रैंडमदर को देखा था। हम दोनों ने एक साथ डांस किया और हम दोनों को वही के वही प्यार हो गया। मुझे वॉर के लिए जाना पड़ा, हालत बहुत ही खराब थे, हमारी शिप पर हमला हो गया था पर फिर भी मैं वहां से बच निकला। तुम्हारे ग्रैंड मदर की मुझे चिट्ठी मिली थी, उसमें वो कब शादी कर रही है इसके बारे में बताया था, पर उसने कहा था कि अगर मैं वहां पर पहुंच गया तो शादी वो तोड़ देगी, और मैं आयन वक्त पर वहां पर पहुंच गया। ग्रैंडफादर कहते कि तुम्हें जो भी लगता है इसके लिए तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। क्रिस रात में डायरेक्टली एली के घर पर पहुंच गया, उसकी खिड़की में पत्थर मारता है पर नेबर की खिड़की टूट गई।
एली कहती कि तुम इतनी रात में कर क्या रहे हो। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो दोनों फिर वॉक के लिए आते हैं। क्रिस कहता है कि जब मैं छोटा था तो ग्रैंडफादर के साथ हमेशा यहाँ आया करता था। हम इमेजिन करते थे कि एक बोट में किसी ब्यूटीफुल सी जगह पर हम जा रहे हैं। अगर तुम अभी के अभी कहीं पर भी जा सको तो तुम्हें कहाँ जाना होगा। एली कहती कि मुझे कोस्टारिका बहुत पसंद है। क्रिस कहता है कि उसकी फील में तुम्हें यहाँ पर दिला सकता हूँ। उसे एक पोर्टोरिकन सुपरमार्केट में लेकर आया। एली वहाँ पर अपने लिए बर्थडे कार्ड बाय कर रही थी। क्रिस उसे पूछता है कि तुम खुद के लिए क्यों बाय कर रही हो। एली कहती कि मैं मेरे फादर के नाम से बाय कर रही हूँ। वो जब छोटी थी तो उसके फादर ने सुसाइड कर ली थी, पर तब एली का बर्थडे पास था तो सुसाइड करने के पहले उन्होंने उसे पोस्ट कार्ड भेजा था। इसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर फिर भी उन्होंने सुसाइड कर ली। क्रिस को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसके करीब आ गया और उसे किस कर लेता है। अगले दिन अपने फ्रेंड से वो बात कर रहा था और कहता है कि वो किस बहुत ही अलग थी। उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि तुम्हें जो भी करना है इसके लिए तुम्हें इतना ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसे एक स्टोरी सुनाई कि एक गांव में एक लड़का था और एक लड़की से बहुत प्यार करता था, पर उसने लेट कर दिया तो किसी और से उस लड़की ने शादी कर ली। उस लड़के ने डिसाइड किया कि वो कुछ भी नहीं करेगा, वो एक जगह पर ही बैठा रहा। बाद में वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर घूमने लग गया। बहुत सारे सालों बाद उसे बहुत कुछ नॉलेज आया और सिर्फ उसने एक ही बात की, और वो बात थी उस लड़की का नाम। क्रिस घर आकर इस बात पर बहुत सोचता है। वो फिर से एली को मिलने के लिए बुलाता है। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब फीलिंग्स का क्या कह जाए। क्रिस कहता है कि शायद हम दोनों को इंटीमेट हो जाना चाहिए, शायद हमारी फीलिंग्स चली जाए। तो दोनों फ्लर्ट करने लग गए और फाइनली घर आकर वो इंटीमेट हो जाते हैं। क्रिस जब किसी और लड़की के साथ होता था तो हमेशा उसे गिल्टी लगता था, पर जब वो एली के साथ है तो उसे बहुत सही लगता है। सुबह होने पर एली उसे कहकर जा रही थी कि कल रात जो भी हुआ उसका कोई मीनिंग नहीं था। क्रिस कहता है कि ऑफकोर्स उसका कुछ मीनिंग था। कल रात मुझे जो कनेक्शन महसूस हुआ, क्या तुम्हें वो फील नहीं हुआ? एली कहती कि जब भी हम एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा वैसा ही फील होता है। क्रिस कहता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ, तुम्हें हम दोनों को चांस देना चाहिए। ये प्रॉब्लम क्रिस अपने फ्रेंड्स को बताता है। फ्रेंड्स ने कहा कि तुम बहुत ही नीडी बिहेव कर रहे हो, कल एली की लाइफ कुछ अलग थी और आज तुम उससे कम्प्लीटली अलग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्रिस को यह बात रियलाइज हुई और उसने एली को कॉल किया। उसे कल रात के लिए सॉरी कहता है। एली कहती कि मुझे सिर्फ एक रीजन दो कि हम दोनों को एक साथ क्यों रहना चाहिए। क्रिस ने कहा कि मुझे लगता है कि यूनिवर्स हमेशा मुझे तुम्हारी तरफ पुश करता आ रहा है। उसके साथ जो फील करता है किसी के साथ भी उसने कभी भी फील नहीं किया। ये जब वो बात कर रहा था तभी चैरिटी इवेंट का बिजनेसमैन आकर उसे पहचान लेता है। कहता है कि आजकल तुम चैरिटीज में दिखते नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली और तुमने मुझे जो भी कहा था ये सब कुछ झूठ था। इस तरीके से क्रिस का झूठ बोलना एली को पसंद नहीं आता और वहां से चली गई। क्रिस बहुत ही अपसेट हो चुका था। उसका मैनेजर आकर उसे बात करता है, कहता है कि जल्दी से अपने स्क्रीन प्ले को कंप्लीट कर डालो, इसके बाद तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। क्रिस को डाउन देखकर उसने कहा कि आज रात मेरे यहाँ पर पार्टी है, वहाँ पर अलग अलग लड़कियों से तुम मिल सकोगे। वो क्रिस को जबरदस्ती वहाँ पर लेकर जाता है। क्रिस का थोड़ा सा भी पार्टी में मन नहीं लगता। एली किसी और के साथ होगी ये बात उसे खाई जा रही थी। वो डायरेक्टली अपने फ्रेंड से बात करने के लिए आया, पर फ्रेंड किसी और लड़की के साथ था। तो लड़की क्रिस से बात करती है। उसने कहा कि जो भी तुम फील कर रहे हो जाकर डायरेक्टली उसे बोल दो। क्रिस इस बात से कंफ्यूज हो गया और फिर मैलोरी के पास आ गया। वो कहता है कि मुझे लड़कियां समझ में नहीं आती। वो मैलोरी से कहता है कि अगर तुम अपनी गलती सुधार पाओ तो फिर क्या करोगे, क्या तुम उस पर्सन को बता दोगी। मैलोरी पहले इस सब्जेक्ट को अवॉइड कर रही थी, पर बाद में उसे बोल देती है कि उससे बहुत प्यार करती है। क्रिस इससे और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया और वहां से वो चला गया। अगले दिन एली ने क्रिस को बीच पर बुलाया। वो कहती कि अब मैं एंगेज्ड हो चुकी हूँ, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज कर दिया था। क्रिस इस बात से डिस्टर्ब हो जाता है, उसने एली की रिंग लेकर नीचे फेंक दी। क्रिस कहता है कि अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो उसे शादी क्यों कर रही हो। गुस्से में वो वहां से चला गया। वो स्कॉट के साथ था तो स्कॉट कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है और तुम उसकी लाइफ और भी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। स्कॉट ने कहा कि अगर तुम सचमुच में उससे प्यार करते हो तो शायद तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। क्रिस कहता है कि तुम हमेशा घटिया सी रोमांटिक थ्योरीज बताते रहते हो, ये सब तुम सीखते कहां से हो। स्कॉट कहता है कि मैंने तुम्हें जो बुक दी थी क्या तुमने वो पढ़ी। क्रिस ने अब तक उसे पढ़ी नहीं थी। इस बात से स्कॉट को बहुत बुरा लगा और वहां से चला गया। रात में क्रिस एली के घर के सामने आकर तमाशा खड़ा करने लग गया। कहता है कि उसके साथ तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, मैं तो देखने में उससे बहुत ही अच्छा हूँ। आज रात एली अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। बॉयफ्रेंड गुस्से में नीचे आ जाता है और उन दोनों में फाइट हो गई। क्रिस ड्रंक था और इस वजह से वो मार खा लेता है। एली ने कहा कि अब हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, हम दोनों की शादी होने वाली है। क्रिस पूछता है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो। एली ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। क्रिस इस बात से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया। सुबह स्कॉट उसके पास आता है। स्कॉट कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। क्रिस को इस बात से बहुत बड़ा सदमा लगा।
घर आने के बाद स्कॉट ने उसे जो बुक रिकमेंड की थी वो पूरी पढ़ डालता है। इसमें एक लव स्टोरी थी जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ इस वर्ल्ड में जी नहीं सकते, इसी वजह से उन्होंने एक बोट ले ली। हमेशा वो उसी बोट पर रहते हैं। इस बुक का कंसेप्ट था कि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर दुनिया तबाह हो गई और कुछ लोग आपकी बोट में आ सकते हैं तो ऐसे कौन लोग होंगे जिन्हें आपकी बोट में आप बिठाओगे। क्रिस ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली सब लोगों को वहां पर देखा और यहाँ पर वो एली को भी इमेजिन कर सकता था। क्रिस डिसाइड करता है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेगा। जल्दी से अपना पूरा स्क्रीन प्ले उसने कम्प्लीट कर डाला। एक नई मूवी का क्रिस को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। एली की शादी हो रही थी तो जल्दी से एयरपोर्ट पर वो भाग कर जाता है। एली ने उसे बताया हुआ था कि एक हार्ट के पास वो शादी करने वाली है। सिटी में जितने भी हार्ट बने हुए थे वो हर जगह पर जाकर विजिट करता है। उसी की टैक्सी में कुछ और लोग बैठ गए, वो भी अलग अलग हार्ट देखना चाहते थे, तो क्रिस ने अपनी स्टोरी उन्हें भी सुनाई। उसकी इस जर्नी में अलग अलग लोग उसे सपोर्ट करते हैं, उसी के साथ वो आने लग गए। क्रिस हर जगह पर गया पर एली को कहीं भी ढूंढ नहीं पाता। वो निराश होकर टैक्सी में बैठ गया और वो एक एरो देखता है। उसने ड्राइवर से कहा कि एरो भी लव को ही रिप्रेजेंट करता है, हमें वहां पर जाना चाहिए। क्रिस वहां पर पहुंचा तो एली नीचे बैठी हुई थी। एली ने अपने वेडिंग को कैंसिल कर दिया था। क्रिस कहता है कि मैंने एक बड़ी सी स्पीच लिखी थी, तुम्हारी वेडिंग आकर मैं डिस्टर्ब करने वाला था। एली कहती कि उसके साथ शादी करना है मुझे गलत डिसीजन लग रहा था। क्रिस कहता है कि हम दोनों जब एक दूसरे से मिले तो अलग अलग माइंडसेट में थे, शायद रिलेशनशिप में आना हमारे लिए डिफिकल्ट था, अब हम एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एली कहती कि हम दोनों रिलेशनशिप को सीरियसली लेते नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि मेरी रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगी, तुम कभी भी सीरियस रिलेशनशिप में रहे नहीं हो। क्रिस कहता है कि अगर हम दोनों ऐसे ही है तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, मैं अगर फेल भी होना चाहता हूँ तो तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो हमेशा पूरी लाइफ रिग्रेट करता रहूंगा। एली कहती कि मैं तुम्हें बहुत हेट करती हूँ। क्रिस ने कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद दोनों किस कर लेते हैं और अब एक साथ थे। इसी हैप्पी मोमेंट पर इस मूवी की एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।